सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और 15 जनवरी हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं गाजियाबाद से शशिबाला विद्रोही और आने वाली ये 15 जनवरी 2023 को बहन जी को हार्दिक जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और आप सभी लोगों को बहन जी के इस प्रोग्राम की, इस जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मिशन से जुड़ें, मिशन मोमेंट से जुड़ें और ऐसे ऐसे लोगों से मिलें जहाँ से हमारी BSP पार्टी की से लोग जुड़ें और जो कमी रह गई थी उस कमी को हम दोबारा से फिर से मतलब अलग हटा के एक नई BSP तैयार करें ताकि आने वाले समय में हम दोबारा से UP के सत्ता में काबिज हो सकें। और बहन जी को इससे अच्छा कोई भी हम गिफ्ट दे नहीं सकते। आपसे मेरा एक सवाल है शशिबाला जी, आप BSP में माननीय बहन जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रही हैं। संसार में 6 नंबर की आयरन लेडी कहा जाता है उनके। अभी उन्होंने एक नारा दिया है चलो गांव की ओर जी, तो ये बताइए इसमें आप लोग जो है कौन से पद पे हैं, पहले ये बताइए BSP में। मैं BSP के किसी पद पे नहीं हूँ जी, मैं सामाजिक हूँ, सोशल वर्कर हूँ और मिशन मोमेंट बाबा साहब का जो है चलो गांव की ओर में हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जो युवा हैं, भाई बहन हैं और हमारे माता बहनें हैं, हम उन्हें पहले तो ये बताएंगे कि हमारे महापुरुषों का आखिर मिशन क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी हमें देनी है, हमें किस तरह से अपने समाज को गुलामी से बाहर निकालना है, अंधविश्वास से बाहर निकालना है और अपने महापुरुषों की विचारधारा हर गली हर घर तक हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं। जब हम हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले को मजबूत कर पाएंगे फिर हम बता पाएंगे कि सत्ता आखिर होती क्या है, सत्ता का स्वाद क्या होता है और किस तरह से हम सत्ता की ओर जा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है पहला ये है कि हम लोगों के दिमाग में पहुंचने चाहिए। अगर हम लोगों के दिमाग तक पहुंच गए तो हमें सत्ता से कोई वंचित नहीं कर सकता। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो मेयर के चुनाव होंगे और इसमें पार्षद के टिकट बिक रहे हैं, मेयर के टिकट बिक रहे हैं, यू बिकने के खरीदारी का क्या रोल है जी? ये जो खरीदारी के लिए कहते हैं कि जी उस पार्टी ने इतने का टिकट बेच दिया, उस पार्टी ने इतने का टिकट बेच दिया, आपके जिला अध्यक्ष ने यहाँ घोटाला कर दिया, आपके जिला अध्यक्ष ने इतने पैसे ले लिए, बहन जी तक नहीं पहुँचे या पार्टी तक नहीं पहुँचे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे दलालों को दूर हटाएं, बिल्कुल दलालों से बात मत करो, अपने दावेदारी पेश करो और अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो सीधे सीधे आप जो है निर्दलीय लड़ो, ये हमें अधिकार मिला हुआ है संविधान में। और जब आप जीत जाओगे तो आप पार्टी को फिर सपोर्ट करो। नहीं, जब पार्टी आज टिकट नहीं दे रही तो जीतने के बाद में क्यों पार्टी को सपोर्ट करेगा वो? इसलिए क्योंकि दलाल जो हैं बीच के, वो ना हमारी बात बहन जी तक पहुंचाते हैं, ना बहन जी तक हमारी जो है टिकट की बात पहुंचती है, वो खरीद पोखोर अपने आप कर लेते हैं, बहन जी तक तो बात ही नहीं पहुंचती और बदनाम कर देते हैं। बहन जी ने हर जिले के अंदर एक कार्यकर्ता जिला कार्यालय खोला हुआ है, तो दलाल होते कौन है मुझे ये बताइए? विधानसभा तक होता है, जिलाध्यक्ष होता है। अब ये बताइए इससे अलग वो डायरेक्ट तो टिकट वहाँ से लेंगे नहीं, टिकट तो यही लोग देंगे जो पार्टी के कार्यकर्ता ये लोग हैं, यही लोग घोटाले करते हैं। मेरी बात सुनिए भाई जी, बात ये है कि हमारी पार्टी पहले सत्ता में थी 2007 में, ठीक है, फिर वहाँ से हटते हटते अगर भार हुई तो क्यों हुई? उसका मेन कारण ये है कि ना तो हम हर व्यक्ति तक पहुँच पाए, बहन जी तक हम नहीं पहुँच पाए, बीच के जो लोग रह गए हमारी बात यानी कि जनता की बात, समाज की बात बहन जी तक नहीं पहुंच पाई। बहन जी तक समाज की बात पहुंचनी है, बहन जी को समाज तक पहुंचना है, अब उल्टी गंगा पहाड़ क्यों चढ़ाते हैं? सुनिए पहले बहन जी तक जब तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, जब तक डॉक्टर को ये पता नहीं पड़ेगा कि जी बीमारी कहाँ है, तो इलाज किसका करेंगे? नहीं, बहन जी को अमेरिका से थोड़ी आई है, लंदन से आई है या फ्रांस से आई है कि उन्हें पता नहीं है इस चीज की, समाज की नहीं है क्या वो भाई जी? कोई राजा रॉयल फैमिली से तो वो है नहीं बहन जी।
उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। हाँ, रैली एक गली मोहल्ले की नेता नहीं, गली मोहल्ले की नेता का मतलब नहीं है। बहन जी को पब्लिक में क्यों नहीं आना चाहिए, जब राहुल गांधी पूरे देश के अंदर रॉयल फैमिली होने के बाद में, खानदानी राजा होने के बाद में, यानी कि एक तो राजा बनना है, एक खानदानी राजा है, वो एक टी शर्ट में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा देता है। आपके 3-3 लीडर बैठे हैं देश के समाज के अंदर, बामन मेहनत राम है, चंद्रशेखर है, बहन जी एक है कोई रोड पे, हम किस टाइम किस काम आएंगे? आप लोग आप कोई नहीं मानता, जो लीडर जिसको वोट दे रहा है, लोग बीएसपी को वोट क्यों देते हैं? बहन जी की वजह देते हैं, कोई नेता को वोट थोड़ी देते हैं ना। बहन जी को वोट कोई नहीं देता, और किसको देता? ये जो है पार्टी जो है, हाँ? ये हमारे माननीय साहब काशीराम जी, आज उत्तराधिकारी काशीराम के परिवार से कौन सा है बीएसपी में, कौन सा है बीएसपी में? जब साहब काशीराम जी, साहब काशीराम जी अपने परिवार से नहीं बना सकते थे क्या उत्तराधिकारी? उन्होंने अगर बनाना होता, हाँ? तो उन्होंने पहले अपना घर क्यों नहीं बसाया? उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने समाज के लिए सब कुछ छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पीछे मेरा परिवार होगा तो कहीं भी मुझे जो है किसी न किसी मौके पर मुझे गुलाम बना दिया जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं मुझे टॉर्चर करा जाएगा परिवार के नाते। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस चीज से सबको अलग रखा। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि साहब काशीराम ने अपने परिवार को उत्तराधिकारी कोई बनाया था क्या? बिल्कुल नहीं बनाया। तो बहन जी ने तो अपना भतीजा बनाया है, अभी कोई नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आकाश आनंद कौन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, जबकि उससे ज्यादा मेहनत तो जयप्रकाश एडवोकेट कर रहा है। देखिए पर्चे जब खुलते हैं ना, दर बदर पर्चे खुलते हैं, यहाँ एक पर्चे के बाद दूसरा पर्चा खुलता है, हाँ? जब कमी निकलती है, हाँ? अगर ऐसी कमी नहीं होती, कोई ना कोई कमी ऐसी रही होगी जिसके कारण बहन जी ने ऐसा मजबूत कदम उठाया, नहीं तो जयप्रकाश भाई जो ना किसी चीज में कम नहीं है, हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट रह गया होगा जिसकी वजह से उन्हें बाहर करना पड़ा। अब आप ये बताइए 17 के अंदर अभी जो ये चुनाव हुए थे, ये कौन से हुए थे, ये अभी एमएलए के जो चुनाव हुए हैं, इसमें एक सीट पर रह गए आप, और आप कह रहे हो कि हम बहन जी को बना देंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बहन जी के और समाज के बीच में जो ये दलाल किस्म के रह गए हैं, ये पार्टी से निकाले जाते, फिर आ जाते पैसे के बल पे, सिफारिश के बल पे, और बहन जी ना तो को पूरी जानकारी मिलती है समाज की, और बहन जी समाज की जानकारी ना रखते हुए इन दलालों के पेच में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट ना तो पार्टी को पूरा हुआ, और ये जो बीच का जो समाज है आज बहन जी से नाराज इसीलिए है क्योंकि बहन जी नहीं सुन पा रही है, और ये लोग हमारी बात बहन जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इनसे हमें हमारी बात क्या पहुंचानी है इनकी? हम आज तक लोगों से, मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं कि बहन जी तक बात क्या पहुंची? जो पार्टी का कार्यकर्ता उसे टिकट चाहिए, टिकट के देनी है, फंडिंग हमें, वो क्या बात पहुँचानी है बहन जी तक? देखिए अगर पार्टी अगर टिकट देती पैसों में, हाँ? तो ये पार्टी आज की बनी हुई नहीं है, ये साहब काशीराम जी के समय की है, हाँ? और ये स्पेशल से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो समाज के वंचित लोग रहे हैं, जो गुलाम लोग रहे हैं, जिनकी किसी ने नहीं सुनी, जिसको किसी पार्टी में कहीं भी कोई हक अधिकार नहीं दिए गए, सीट नहीं दिए गए, विशेष रूप से उनके लिए ये पार्टी बनाई गई, और उन लोगों को सत्ता तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, एक विचारधारा बनाई गई, फिर बाद में पार्टी का उसे नाम दिया गया, और उसका मतलब यही था कि हर जिले में आप देखते हो अधिकतर जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने समाज का मिलेगा, इसीलिए क्योंकि हम लोगों की बात थाने में चौकी में नहीं कोई अधिकारी सुनता है, जिला अध्यक्ष अगर हमारा रहेगा तो हर जगह हमारी बात सुनी जाएगी। आप एक एडवोकेट हैं जी, और सामाजिक कार्यकर्ता भी काफी टाइम से आप काम कर रही हैं, अभी ओबीसी का आरक्षण जो खत्म हुआ था इससे आप कितनी सहमत हैं? देखिए सहमत की बात तो यह है कि मुझे दुख भी होता है इस चीज का कि हमारा ओबीसी समाज जो है जागने की को सो रहा नहीं है, वो सोने की नौटंकी कर रहा है कि हम सोए हुए हैं, इस सोने की नौटंकी की वजह से आज उनका आरक्षण खत्म हुआ, और अभी भी वो घंटा बजाने में व्यस्त हैं, अभी भी जो है वो गुलामी में व्यस्त हैं, अभी भी वो मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। जिस दिन वो अपने हक अधिकारों को जान जाएंगे ना मजबूती से, और उन्हें लगेगा कि ऐसी समाज हमारा दुश्मन नहीं है, ऐसी समाज हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन हमारा कौन है? वो लोग हैं जो हमारे हक अधिकार को सारा खा गए। जिस दिन इन लोगों को ये पता पड़ गया ना, उस दिन लोग ये जो ना ओबीसी वाले खाल उतार देंगे इनकी, और ऐसी खाल उतारेंगे ना फिर ये कब्जे में नहीं आएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी संगठन या राजनीतिक पार्टियां हैं ये ओबीसी के चक्कर में पड़ क्यों रही हैं? जब हमारा 2018 में आंदोलन हुआ था देश के अंदर, जब यही ओबीसी वाले कह रहे थे कि एससी वालों का आरक्षण उड़ा दिया, बहुत अच्छा करा, और यही लोग जो हैं बीजेपी की मेन लीड है,
तो हम इन्हें इनके चक्कर में हम पड़ते क्यों हैं जब ये हमारी लड़ाई में नहीं आते, तो हम इनको क्यों गले लगा रहे हैं? आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी, जल्दी की सुनाऊंगी, कोई दूर की बात नहीं और पर्सनल सुनाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, एडवोकेट है, ठीक है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी आरक्षण मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है। उन्हें ये लगता है कि जो है एससी वालों को आरक्षण मिलता है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से नौकरी में जा रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें एक छोटे सा उदाहरण दिखाया कि मेरी जो फ्रेंड है, मैंने उन्हें बताया कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, लेकिन जो जनरल है उन्हें 8.5 लाख रुपए देने पर भी उन्हें ये देने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे बाहर हो जाते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से गरीब माना जाता है 8.5 लाख पे भी, और यहाँ 3 लाख पे भी, 3.5 लाख पे भी हम अमीर माने जाते हैं। उनका EWS बनाया जा रहा सर्टिफिकेट, जिससे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। मैंने उसे ये बात बड़े आराम से समझाई, जब उसकी समझ में आ गई, आज वो मेरी फ्रेंड ये कह रही थी कि अगर कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी आंदोलन करना पड़े, मैं तेरे साथ हूँ, जो मेरे हमेशा अपोजिट रही। तो वो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, वो मैंने बताया ना कि वो सोने की नौटंकी कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा ताकतवर यादव है, हमसे ज़्यादा ताकतवर जाट है, हमसे ज़्यादा ताकतवर गुज्जर है, हमसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। ये लोग अपने आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, हम क्यों करें इनका विरोध? क्योंकि इन्हें ये पता ही इन्हें पता नहीं है, इतने पढ़े लिखे देश के अंदर शासन संपत्ति पे बैठे हुए हैं। हमारे अखिलेश भाई जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे और जब उन्होंने वो अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, तो वर्तमान सरकार के जो योगी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने उस आवास को धुलवाया गोबर से, गाय के मूत्र से, गंगा जल से, और पता नहीं कौन कौन से मंत्रों से उसका वो करा, जिस चीज़ का अटैच एकदम दिमाग पर करंट लगता ना, अखिलेश भाई को लगा, तुरंत लगा, अरे ये क्या हो गया। वो अपने आप को समझते थे कि मैं तो जनरल हूँ, मैं तो स्वर्ण जाति का हूँ, मैं तो शूद्र हूँ ही नहीं। वास्तव में उन्हें नहीं पता कि वास्तव में शूद्र तो वही लोग हैं, जिस दिन इन्हें शूद्रों को पता पड़ जाएगा ना, उधर उस दिन ये सुधर जाएंगे। चलो खैर, हमारी तरफ से आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ ये थी एडवोकेट शशिबाला, समाज सेविका, मान्य बहन जी को जो है जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो। जय भीम।